उदाहरण आठ। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उदाहरण आठ का हम हल देख रहे हैं। बच्चों देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। संबंध दिया हुआ है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि हमारे पास चौड़ाई का मान मिल जाए तो हम उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि आयत की चौड़ाई जो है वो W सेंटीमीटर है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई उस स्थिति में कितनी होगी? लंबाई बराबर हो जाएगा 2 × चौड़ाई + 1। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया था, संबंध दिया गया था कि आयत की जो चौड़ाई है वो W सेंटीमीटर जब हमने लिया तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो लंबाई हो गई 2 × W + 1 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास आयत की चौड़ाई भी है और लंबाई भी, तो हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है आयत का परिमाप का सूत्र? हमें पता है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। और आयत का परिमाप प्रश्न में दिया भी गया है। आयत का परिमाप प्रश्न में दिया गया है 110 सेंटीमीटर। तो हम उसका मान रख दें तो 110 बराबर 2 × लंबाई। लंबाई कितनी है? हमने निकाल के रखा हुआ है कि इसकी लंबाई जो है दिए गए आयत की वो है 2W + 1 है, धन चौड़ाई हो गई W। चलिए आगे देखते हैं। हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह था आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर और जब हमने उसके सूत्र में मान रखा था तो 2 × लंबाई, जो कि हमारी लंबाई थी 2W + 1, और फिर चौड़ाई को भी उसमें जोड़ना था तो चौड़ाई हो गई W। अब देखें, इसको हम हल कर लेते हैं। समीकरण को हल करना हमने सीखा है, हम इसे हल करते हैं। पहले हम कोष्ठक हल कर लें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, 2W + 1 + W, और उसके बाद यहाँ पर समान पद है, इनको हम हल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 3W + 1। 110 हमारे पास यहाँ पर परिमाप के रूप में है, और इसको भी कोष्ठक को हल करने से हमें मिलेगा 2 × 3W + 2 × 1 यानी कि 2। पुनः अगला पद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो पक्षांतर करने पर हमें क्या मिल सकता है? 110 × 2, और यहाँ हो जाएगा 6W। चलिए हल को आगे देखते हैं। हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह था 110 × 2 = 6W। तो हल करने पर आपने पक्षांतर से प्राप्त किया। पक्षांतर का नियम कैसे आता है? समानता के नियमों के पालन से ही पक्षांतर का नियम आता है। तो आप देखें, 110 × 2 से क्या मिलेगा? 108 = 6W। और अब हमें W का यदि मान प्राप्त करना है तो वो हो जाएगा 108 और 6 जो है वो बटे में आ जाएगा। ये भी कैसे आ रहा है? समानता के नियम से। यदि हम यह माने कि दोनों पक्षों में हमने 6 से भाग दिया तो
छः और छः कट गया और यहाँ मिला है 108/6। तो आप देखेंगे कि आपको चौड़ाई W का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, आयत की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। अब हमें इससे क्या मिलना चाहिए, आयत की लंबाई। तो इसलिए अब आयत की लंबाई हम प्राप्त कर सकते हैं दिए गए संबंध के कारण। हम इसे निकाल पाएंगे कि 2 गुणित आयत की चौड़ाई और उसके बाद धन 1, क्योंकि वो उसके दुगुने से 1 अधिक है। तो हमें क्या मिलेगा, 36 × 1 = 37 सेंटीमीटर। ये हुआ आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई हो गई 37 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हो गई 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने ज्ञात कर ली और प्रश्न हल हो गया।